बीच बड़ी खबर मिल रही है, इमरान मसूद को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद, जिन्होंने मोदी को लेकर जो बातें कही थी उस पर 14 दिन की उन्हें जेल हो गई है। सुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है इमरान मसूद को? जी, पुलिस ने आज देवबंद न्यायालय में उनको पेश किया था, उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तानिया, हमारी अभी इनके भाई से बात हुई, उनका कहना यह है कि कल वो बेल के लिए जिला न्यायालय में अप्लाई करेंगे, और जो शाम को इमरान मसूद राहुल गांधी की रैली करने वाले थे, वो रैली में भले ही राहुल गांधी ना पहुंच रहे हो, लेकिन वो रैली एज इट इज करेंगे। जी तानिया, यानी कि सहारनपुर की जो रैली थी जिसको रद्द कर दिया गया था, वो अब होगी आपने कहा? नहीं, राहुल गांधी रैली में भले ही ना पहुंचे, उनका कहना यह था कि उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और जो कांग्रेस के लोग हैं कुछ लोग उनको संबोधित करेंगे। बिल्कुल, चलिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इमरान मसूद को भेज दिया गया है। भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला है, जिसमें बीती रात इमरान मसूद की गिरफ्तारी, करीब सुबह 3 बजे गिरफ्तारी हुई थी, और अब 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है इमरान मसूद को। सहारनपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में थे, और सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, किस तरह से बीती रात गिरफ्तारी हुई इमरान मसूद की, और फिर उन्हें आज दिन भर कहाँ रखा गया था, जब अब इस वक्त कहाँ है वो? जी, उन्हें अब देवबंद जेल में भेज दिया गया। जो रात के पुलिस की स्ट्रेटजी थी, पुलिस ने एक स्ट्रेटजी बना के इसमें काम किया। पुलिस का यह था कि सकल शाम को जब चुनाव आयोग सख्त हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के बाद रात को एक स्ट्रेटजी बनाई, जिससे कि समर्थक उग्र ना हो जाए या किसी तरह का कोई विवाद ना हो जाए। पुलिस ने सुबह तड़के 3:30 बजे इनकी गिरफ्तारी के लिए सभी भारी भरकम फोर्स के साथ इनके घर पर पहुंचे और इनको गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो साबिर अली को लेकर एक तरफ बीजेपी में घमासान मचा था, वहीं कांग्रेस में इमरान मसूद को लेकर बवाल मचा हुआ था, क्योंकि इमरान मसूद ने जो भड़काऊ भाषण दिया था उसके बाद इमरान मसूद को बीती रात गिरफ्तार किया गया था, और अब खबर मिल रही है कि 14 दिनों के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोदी पर भड़काऊ भाषण इमरान मसूद ने दिया था, जिस पर खुद उन्होंने सफाई दी थी कि काफी पुरानी ये बात है और इसमें उन्होंने कोई भी गंभीर बात नहीं कही थी, लेकिन उस भड़काऊ भाषण के चलते अब 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी, और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे इमरान मसूद। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद, भड़काऊ भाषण देने का यह मामला, मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था और सुबह 3 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई थी। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अपनी सफाई में इमरान मसूद का क्या कहना था? इमरान मसूद से जो हमने कल बात की थी, इमरान मसूद का साफ कहना था कि ये वीडियो उस समय की है जब वो समाजवादी पार्टी में थे, और ये वीडियो लगभग 6 महीने पुरानी है। लेकिन अगर तानिया बात करें इस वीडियो की, अगर 6 महीने पुरानी भी वीडियो है, तो उस समय मुजफ्फरनगर में दंगा था, और इस तरह का किसी नेता को समाज को बांटने का काम इस तरह का नहीं करना चाहिए था। और अब जिस तरह चुनाव के समय वो वीडियो सामने आ गया है, तो इमरान कह रहे हैं कि वो हमारी मेरी पुरानी वीडियो है। बिल्कुल, इमरान मसूद का कहना था ये पुराना वीडियो है, लेकिन इसी वीडियो के चलते अब उनकी गिरफ्तारी हुई और अब 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वैसे इससे पहले बीजेपी की ओर से इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ बताया था, सुनिए। हमने कहा है कि केवल ये पार्टी का उम्मीदवार भर का मामला नहीं है, ऐसे मामले, ऐसे संवेदनशील मामले, ऐसे गंभीर मामले, जिन मामलों में कि इस तरह का बयान किसी पार्टी के उम्मीदवार या किसी पार्टी के कंपेनर के द्वारा दिया जाता है, उसमें उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है और करनी चाहिए। हमने मांग की है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। विपिन चौबे भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जिसे सहारनपुर से मैदान में उतारना था वो तो अब जेल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सहारनपुर में फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 10 अप्रैल को वहां पर मतदान होगा। ऐसे में जो कैंडिडेट है वो जेल में होगा। पूरी तरह से कांग्रेस की सीट अब लूज करती हुई नजर आ रही है। आज रैली भी रद्द हो गई, मुकदमा भी दर्ज हो चुका था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत ने इमरान मसूद को भेज दिया है। चुनावी सीजन में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। तो यानी कि विपिन, आपका कहना है कि ये सीट पे अब कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी?
बहुत मुश्किल है क्योंकि जो कानून और जो प्रावधान कहते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन की जो डेट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। फर्स्ट फेज 10 अप्रैल को वहां पर इलेक्शन होना है। फर्स्ट फेज के लिए जो नॉमिनेशन का डेट है वो भी खत्म हो चुका है, यानी अब जो कैंडिडेट है वो कैंसिल करना भी और कैंडिडेट को बदलना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब कानूनी प्रक्रिया क्या है, कानूनी प्रक्रिया में किस तरह का रास्ता निकाल पाती है कांग्रेस, ये देखना होगा। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है कि वहां कांग्रेस अब कैंडिडेट नहीं चेंज कर सकती है, और एक तरफ कैंडिडेट चेंज करना मुश्किल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने एक उम्मीदवार के इस भड़काऊ भाषण कितनी अलग हुई है कांग्रेस की। बिल्कुल सही बात है, चुनावी मौसम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई थी और कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित की थी इस लड़ाई से, क्योंकि वहां पर जो जाट और मुस्लिम समीकरण है वो कांग्रेस के धीरे धीरे फेवर में आ रहा था। कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित और बहुत ज्यादा उम्मीद से थी। ऐसे में इमरान मसूद का बयान एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और नुकसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए। उनका कैंडिडेट पूरे चुनाव के दौरान जेल में रहेगा, कोई प्रचार नहीं कर सकता, और जिस तरह का बयान है उससे पार्टी डिफेंड भी नहीं कर पा रही और ना ही अपने कैंडिडेट का साथ दे पा रही है। बिल्कुल विपिन, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में इमरान मसूद को भेज दिया गया है। मोदी के खिलाफ भाषण देने का यह मामला था जिसका बाकायदा वीडियो बना था और वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई और इमरान मसूद की गिरफ्तारी करीब सुबह 3 बजे हुई और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब तक क्या हुआ इस मामले में वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इमरान मसूद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और यही धमकी उनको महंगी पड़ गई। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर रहे इमरान मसूद को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी भरकम फोर्स के साथ पुलिस इमरान के घर पहुंची, उनकी गिरफ्तारी हुई जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इमरान मसूद को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रखा गया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने सहारनपुर की रैली रद्द कर दी थी। आज राहुल गांधी को सहारनपुर रैली करनी थी लेकिन उस रैली को रद्द कर दिया गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंचेंगे लेकिन वहां पर जो रैली है उसमें दूसरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो शामिल होंगे। रैली होगी लेकिन राहुल गांधी वहां पर नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी इमरान मसूद के बयान को लेकर शिकायत की थी। अब एक बड़ी कार्रवाई इमरान मसूद पर हुई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है।